And one thing I don't like about men is that they think with only two parts of their body. दरअसल रांचना गर्ल आई थी मुंबई में हुई GQ मैन ऑफ द ईयर अवार्ड नाइट को अटेंड करने, जहां सोनम लग रही है टोटली डिफरेंट। सोनम के अलावा इस इवेंट में रणदीप हुडा और अदिति राव हैदरी भी नजर आई। इसके अलावा कंगना रनौत, पल्लवी शारदा, जरीन खान, नेहा धूपिया, रानी मुखर्जी समेत बॉलीवुड के दूसरे स्टार्स ने अपनी ग्लैमर से शाम को कर दिया रंगी। भी हमारी प्यारी मिस ढिंचा को न जाने क्या सूझा कि मैडम ने कर लिया सोनम से ऐसा सवाल जिसे सुनकर हर कोई हो गया शर्म से लाल। एंड वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट मेन इज दैट दे थिंक विद ओनली टू पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। लड़कों को लेकर सोनम की इस शिकायत को समझा जा सकता है। अब देखिए ना, हाल ही में मसक अली जब पहुंची थी अपनी फिल्म रांझना का रिस्पांस लेने के लिए बनारस, तो उन्हें किस मुसीबत का सामना करना पड़ा था। सोनम को बनारस की लोकल रांझनाओं से बचने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में लेना पड़ गया था शेल्टर। इसके अलावा पुनीत मल्होत्रा के साथ भी मैडम का एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। अब तक कोई सक्सेस नहीं हुआ है। अब तक सक्सेस स्टोरी नहीं हुई, बट आई एम स्टिल होपफुल कि द नेक्स्ट टाइम आई फॉल इन लव इट विल बी लाइक द फर्स्ट टाइम इट विल सक्सीड। अब लड़कों के साथ इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद अगर लड़कों को लेकर सोनम की राय ऐसी है, तो इसमें गलत क्या है बॉस।